आते महिला 33% आरक्षण की बात होने लगी, क्या आप इसे चुनावी एजेंडा मानते हैं या पूरा होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं? देखिए, मोदी जी ने जितने भी कार्य किए उन कार्यों का आकलन करके हम उनके बारे में कह सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे और तमाम तरह की चीजें हो, उन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ हम महिला आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जिन्होंने जो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ, हम उनके फॉलोअर हैं। हम तो महिला आरक्षण पे बिल्कुल साथ है, हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो, महिला सुरक्षित भी हो। लेकिन आप ये बताओ जो वंचित वर्ग की महिलाएं उनका क्या होगा अगर मध्य प्रदेश में चलेगी? जिस दिन प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक दोबेराव ने ये बयान दिया, हम लोग आजादी का उत्सव मना रहे थे 15 अगस्त को, कि अब भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए, तो हमारे कान उसी दिन खड़े हो गए। हमें ये समझ आ गया कि ये सरकार अब सत्ता का दुरुपयोग करके संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। उसी दिन हमने तय कर लिया कि हम देश भर में संविधान बचाओ यात्रा चला के बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। मैं उनकी गलती कम मानता हूं, अपने लोगों की गलती ज्यादा मानता हूं। अगर हमारे लोग बहुजन समाज के लोग समझदार होते तो यहां 90% आबादी मध्य प्रदेश में बहुजन समाज की है, लेकिन वो तमाम दलों के पीछे खड़े रहते हैं कि उनको टिकट दे दें, उनको मंत्री बना दें, उनको विधायक बना दें, उनको सांसद बना दें। इसका मतलब हम अपनी ताकत को जानते ही नहीं। इसलिए संविधान यात्रा के जरिए पूरे मध्य प्रदेश में हमारे लोग घूम घूम के बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि संविधान की रक्षा वो करें, इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें और अपनी राजनीतिक ताकत भी बनाए, जिसके बाद उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये सभी सरकारें यहाँ थी, आप ये बताओ 52% ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिल रहा है। सरकार संविधानिक रूप 27 की बात करी, लेकिन आपने देखा पंचायत के चुनाव में 27 भी नहीं मिला। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि ये सरकार पिछड़ा विरोधी है। उसके बाद आदिवासियों को जल जंगल जमीन का अधिकार जो है, जो संविधान के अनुच्छेद 5 देती है, क्या मध्य प्रदेश में मिल रहा है? तो सच ये है कि नहीं मिल रहा। उनकी तो जमीन भी कब्जा ली जा रही है, और जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी हो रही है दलितों को मूछे रखने पे, घोड़ी चढ़ने पे, ये तो वही क्षेत्र जहां घोड़ी चढ़ने पे रोक लगाई जाती है, जो तमाम तरह से अपमान किया जा रहा है, रेप हत्या हो रही है, सब विपक्ष भी यहां है, सरकार भी यहां, लेकिन हमारे लोग कुछ सुरक्षित नहीं है। अब हमारे लोगों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली कि हमें अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं करनी, और जो सरकार हमें देना चाहती है हम अपनी सरकार बना के स्वयं अपने लोगों को दे सकते हैं। तो सरकार फेल है और इस सरकार से मुक्ति भी जनता चाहती है। उसके साथ साथ आजाद समाज पार्टी हम लोग ताकतवर करना चाहते हैं कि हम लोग हम ये आजाद समाज पार्टी के जरिए इनके जो नेता है वो विधानसभा में जाके जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाएं और जनता की मदद करें। सर, चुनाव आते ही महिला 33% आरक्षण की बात होने लगी, क्या आप इसे चुनावी एजेंडा मानते हैं या पूरा होगा, महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं? देखिए, मोदी जी ने जितने भी कार्य किए उन कार्यों का आकलन करके हम उनके बारे में कह सकते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे और तमाम तरह की चीजें हो, उन्होंने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। मैं तो कह रहा हूं हम महिला आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जिन्होंने जो बाबा साहब ये कहते हैं कि मैं किसी भी देश की तरक्की उस देश में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं, हम उनके फॉलोअर हैं। हम तो महिला आरक्षण पे बिल्कुल साथ है, हम तो चाहते हैं महिला सशक्त हो, महिला सुरक्षित भी हो। लेकिन आप ये बताओ जो वंचित वर्ग की महिलाएं उनका क्या होगा? हमने ये मांग की है कि सिर्फ विधानसभा, सिर्फ लोकसभा विधानसभा में क्यों, राज्यसभा, विधान परिषद, मंत्रिमंडल, तमाम जगह पे महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और कोटा इन कोटा, यानी कि जो आरक्षण हम महिलाओं को दे रहे उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व एससी एसटी ओबीसी और स्पेशली मुस्लिम बहनों का भी प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए कि उनके, क्योंकि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी समस्या समझाई नहीं सकता है, कभी लोगों ने समस्या समझाई नहीं है। ये लोग पीड़ित हैं कास्ट एसोसिएशन से, धार्मिक अत्याचार से और तमाम तरह की समस्याओं से, सशक्तिकरण से, रोजगार से। जब इनके बीच के प्रतिनिधि हमारी बहनें जाएंगी तो इनकी समस्या पर बोलेंगी, सदन में जाकर आवाज उठाएंगी, तो शायद इनके लिए कोई हल निकल जाए, वरना पहले से भी महिला प्रतिनिधि वहां कुछ है लेकिन इनकी समस्याओं बात नहीं। इसलिए इन वर्गों की महिलाओं को, स्पेशली पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, मुस्लिम समाज की महिलाओं को, बौद्धिक समाज की महिलाओं को, ईसाई समाज की महिलाओं को, सिख समाज की महिलाओं को भी सदन में जाने की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अच्छा, हमने ये मांग सरकार से रखी। चंद्रशेखर जी, ये जो वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है अभी मार्केट में, इसको किस तरह किस नजर से देखते हैं आप? मार्केट में तो ये चल रहा है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। मार्केट में ये चल रहा है
सरकार को ये भी नहीं पता कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार को कि क्या ये अभी तत्कालिक में संभव है, ये भी नहीं पता सरकार को। क्या मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की हर सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा कि या एन वक्त पे किसी गठबंधन की पहली सूची जारी की जा रही है? आज हम लोग 6 बजे के लगभग अपनी पहली सूची जारी करेंगे। लगातार हम लोग अपनी सूची जारी करते रहेंगे। हमें अपने दम पे चुनाव लड़ना है क्योंकि हमने ये महसूस किया कि आज के जो हालात है वो तमाम राजनीतिक दलों के यहाँ रहते हुए, और जिनकी बात आप कर रहे हैं कि अगर हमारे लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन आपने देखा कांग्रेस अपनी सरकार खुद ही नहीं बचा पाई। उनके लोगों के अंदर वो ईमानदारी वो समर्पण है ही नहीं जिन लोगों के प्रति जिनसे वोट लेते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी की दोबारा सरकार बन गई, हमारे लोगों को फिर अन्याय सहना पड़ा। तो अब हम किसी के भरोसे हमारे लोग नहीं रहना चाहते, वो अपनी ताकत स्वयं की बनाना चाहते हैं, इसलिए वो आजाद समाज पार्टी वोट करके अपनी ताकत बनाएंगे। 33% आरक्षण से पहले क्या जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए 2011 के बाद? अभी लगातार तो ये भी कल आया कि ये 29 से पहले लागू भी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को विधानसभा चुनाव में वोट चाहिए, लोकसभा चुनाव में वोट चाहिए। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री ने लाडली बहन योजना चलाई, 4.5 साल से वो बहने नहीं दिखी थी, अब चुनाव से 6 महीने पहले वो बहने दिखी। और मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, 1250 रूपये में तो आपका चूल्हा भी नहीं, गैस भी पूरा नहीं हो रहा है, तो राशन कहां से आएगा? और 4-6 महीने राशन भी दे दोगे चुनाव के बाद, इनसे टैक्स बढ़ा के फिर इनके खून भी लूटने काम करोगे, छीनने काम करोगे, खून से खाल से खींचने काम करोगे, ये अब चलेगा नहीं। पहले क्या होता था कि वोट को खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग चुपचाप किया जाता था रात के अंधेरे में, आज सरेआम वोट को खरीदने का प्रयोग किया जा रहा है, वो इसलिए कि जिससे कि लोग अपनी वोट इनको सौंप दे और ये उस वोट के जरिए ताकत में आके उन लोगों के सारे अधिकार छीन ले। जनता बेवकूफ नहीं रही, मैंने लोगों से कहा इनका पैसा भी ले लो, ये और पैसा देने हैं वो भी ले लो, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है, कोई आपसे पैसा वापस नहीं मांगेगा, जो मांगेगा उससे हम हिसाब कर लेंगे, बाकी आप लोग वोट आजाद समाज पार्टी को कितनी चुनाव शांत कर दे रहे हैं।